आज हम पढ़ेंगे डिप्लोप्लास्टिक क्या होता है। डिप्लोप्लास्टिक के अंदर एनिमल, दोज एनिमल होते हैं जिसके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, यानी दो लेयर होती हैं, ठीक है। ऐसे ये है जिसके अंदर एक्टोडर्म बाहर वाली और एंडोडर्म हो, बीच में जो लेयर है वो नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है? मीजोडर्म नहीं होती, यानी दो ही लेयर होनी चाहिए। एक तो यह है अंदर वाली होनी चाहिए और एक बाहर वाली होनी चाहिए, ठीक है। बीच में नहीं होनी चाहिए, मीजोडर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेयर, ठीक है। तो ये है नो ट्रू मीजोडर्म, ठीक है। तो ये है, तो कौन से एनिमल होते हैं? निडेरिया हो सकता है, जेलीफिश होते हैं, हाइड्रा हो सकता है, टिनोफोरा हो सकता है, फोम जेलीफिश होता है, ठीक है। ये प्रोटोस्ट्रोम क्या होता है? जिसके अंदर फर्स्ट क्या माउथ बनता है, जिसके कौन से एनिमल के अंदर? मोलुस्का के अंदर, अर्थ्रोपोडा के अंदर, वारम फाइलम के अंदर, ठीक है। तो ये होते हैं बिकॉज द माउथ इज फर्स्ट एंड और नियर द ओपनिंग ऑफ द गट, नियर दी ओपनिंग गट, यानी कहने का मतलब है पहले क्या माउथ बन गया, उसके बाद क्या है जो ओपनिंग होती है जो गट की, जो गट है उसके अंदर खुल जाता है, ठीक है। और इट इज प्रोड्यूस्ड टू ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन, और क्या है उसके बाद यह गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो जाता है, गैस्ट्रुलेशन ड्यूरिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, प्रोसेस के अंदर, ठीक है। एंड एनस आफ्टर द लेटर, उसके बाद क्या यह गैस्ट्रुलेशन पीरियड होगा, उसके बाद क्या एनएस हो गया, ठीक है, एनएस हो गया। फर्स्ट क्या माउथ बनेगा, उसके बाद क्या एनएस बनेगा लेटर, ठीक है। ये दूसरी लोकेशन पर होगा, यानी फर्स्ट एनएस के आगे होगा ना, माउथ आगे होगा तो एनएस के पीछे होगा, देन अनदर लोकेशन पर होगा, ठीक है। ये कह रहे हैं एन एस सी लेटर एट अदर लोकेशन, ठीक है। सिलोम बॉडी कैविटी क्या होता है? दीज आर एनिमल फॉर्म द होलो विंग्स होती हैं, यानी कि खोखली ही होती है, ठीक है। आउट ऑफ द प्रेजेंस प्रीवियसली सॉलिड ओड एंड मीजोडर्मल सेल के अंदर, ठीक है। जो प्रोटोस्टोम होती है, दो मेजर ब्रांच होते हैं प्रोटोस्टोम के, एक डाइसोसोआ जो आ सकता है और लोफोट्रोफोजोआ आ सकता है। एक डाइसोजोआ के अंदर कौन से होते हैं? अर्थ्रोपोड आ सकता है, अर्थ्रोपोडा के अंदर कौन से इंसेक्ट आ सकते हैं? एरेक्टिड्स आ सकते हैं, मिड्स आ सकते हैं, क्रस्टेशियस आ सकते हैं, मिलीपीड्स आ सकते हैं। ये क्या है सारे एग्जांपल एक डाइसोजोआ के अंदर है, ठीक है। दूसरा लोफोट्रोफोजोआ, तो इसके अंदर ये कॉमन है जो क्लीवेज के अंदर स्प्राइल यानी कि कुछ क्वाइलिंग फॉर्म के अंदर उसके अंदर होता है। कॉमन क्या लार्वा इसके अंदर, कौन से फाइलम के अंदर रहते हैं? एनिलेडा के अंदर, मोलस्का के अंदर और फ्लैट वारम के अंदर होता है, ठीक है। तो ये है, और ड्यूट्रोस्टोम क्या है? कोर्डेटा के अंदर, गानोडर्मेटा के अंदर है, ठीक है। तो सीन स्टोरेज क्लास ह्यूमन फिश के अंदर, फ्रॉग के अंदर, सम ऑफ फिश स्टार फिश हो सकते, सी अर्चिन हो सकता है, सर्टेन इम्ब्रियोलॉजिकल फीचर ऑफ स्ट्रेस इन दिस जीन सीप, ठीक है। तो ये कहना है ये एग्जाम्पल स्टार फिश, सी अर्चिन और सर्टेन इम्ब्रियोलॉजिकल है, ठीक है, और फ्रॉग के अंदर होता है, ह्यूमन फिश के अंदर होता है, ठीक है। इसके अंदर ड्यूट्रोस्टोम होता है और ये मेजर इसके हैं कोर्डेटा और गानोडर्मेटा। अब ये क्या है, इसके अंदर ड्यूट्रोस्टोम के अंदर माउथ क्या सेकेंड में बनता है, यानी कि पहले उसमें क्या था प्रोटोस्टोम के अंदर माउथ क्या फर्स्ट बन जाता था, एनएस बाद में बन जाता है। इसमें क्या माउथ की प्रोसेस सेकेंड है, यानी कि उसके बाद में बनता, पहले क्या है और चीज़ें बनती, एनएस बन जाता है, ठीक है। तो माउथ क्या ओपनिंग फ्रॉम दी आफ्टर दी एनएस, ठीक है, ओपनिंग, ठीक है। तो ये ड्यूट्रोस्टोम है, तो आगे मैं पूरा कंप्लीट ही ड्यूट्रोस्टोम का एक और वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। इसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन दी है कि माउथ क्या है सेकंड बनता है, ठीक है। आगे मैं बताऊँगा ड्यूट्रोस्टोम के बारे में।